है, तो अभी जो भी लोग अभी ज्वाइन किए हैं थोड़ी देर पहले, उनके लिए आई एम सेंडिंग द लिंक अगेन। यूजिंग दिस लिंक आप लोग सितंबर 2020 वाला पेपर को डाउनलोड करो, अनजिप करो, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई आउट क्वेश्चन नंबर 2 अभी एमएस वर्ड पे, ट्राई टू सॉल्व इट। यस मैम, श्रेय, सेकेंड क्वेश्चन, देयर इज अ टर्म अश्योरेंस, सो व्हेन वी राइट A46 ऑफ द फॉर्मूला, सो वी हैव टू यूज द सबस्क्रिप्ट और लाइक विद अलोंग विद ए वी विल राइट 46? एक सेकेंड वापस बोलो। मैम, जैसे जो क्वेश्चन है टर्म अश्योरेंस का A46 25, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो जब वर्ड पे टाइप करेंगे तो जो 46 होगा तो वो ए के नीचे में लिखेगी कि साथ में लिख सकते हैं, जैसे एल में तो साथ में लिख देते हैं। नहीं तो आपको कुछ भी सबस्क्रिप्ट में नहीं करना है। एज यू कैन सी ओवर हियर, देखो यहाँ पे इसकी जगह बस ईए की जगह यहाँ पे टीए यूज होगा बिकॉज इट इज अ टर्म अश्योरेंस, करेक्ट? सो इट विल बी टीए बार एंड देन जस्ट गिव द कोलोन, यू डू नॉट हैव टू गिव एनीथिंग इन द सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इवन द वन जो आप एक्स के ऊपर लिखते हो, इवन दैट हैज डजंट हैव टू गो इन द सुपरस्क्रिप्ट। इंस्टेड यू जस्ट यूज टी ए इंस्टेड, और कुछ भी सबस्क्रिप्ट में भी नहीं जाएगा। दी एक्स वैल्यू इज टू बी गिवन फर्स्ट कोलोन के बाद एंड दी एन वैल्यू इज सपोज टू बी गिवन एक और कोलोन के बाद इन साइड द लेस देन एंड ग्रेटर देन साइंस। ओके, क्लियर है? यस मैम। जैसे किसी का भी होगा प्लीज रेज योर हैंड्स।
मैम अब जैसे 2B में डू वी नीड टू शो द ब्रेकअप ऑफ द टर्म अश्योरेंस की डायरेक्टली मतलब लिख सकते हैं कैलकुलेट करके कौन सा वाला पार्ट 2B ओ अच्छा दिखाना पड़ेगा दिस पार्ट ये जो ब्रैकेट में वैल्यू सारा लिखना है नहीं नहीं आई मेंट द फर्स्ट वाला वो पूरा ब्रेकअप की a बार फॉर्मूला हां तो फार्मूला आई वुड सजेस्ट कि सिंस दिस इज अ गुड 5 मार्क सम तो यू ऑल शुड try to write the formula but if you want aap ye nahi actually ye formula ka marks rahega so you should write the formula breakup karke acha theek hai and ma'am first wale mein I got the answer but hum I just showed the like l46 minus l50 by l select 36 khali wo likha uske baad directly answer likh diya so will that do हाँ यूजुअली वो कर सकते हो आप लेकिन आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट अभी आप स्टार्टिंग स्टेजेस पे हो तो अभी से इफ यू पुट योरसेल्फ इनटू द प्रैक्टिस कि एटलीस्ट थोड़ा वैल्यूज यू आर राइटिंग देन इट विल बी गुड फॉर यू इवन दो दे विल नॉट एग्जैक्टली डिडक्ट मार्क्स बट इट इज बेटर कि आप वैल्यूज को लिखो क्योंकि सिंस इट्स ऑनलाइन तो इसलिए दे वॉन्ट टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि आप पूरा फुल स्टेप्स दिखा रहे हो ओके मैम गॉट इट मे बी आप क्या कर सकते हो अगर ये 4-5 डेसिमल प्लेसेस तक है तो व्हाट यू कैन डू इज इन योर आंसर स्क्रिप्ट यू कैन जस्ट राइट इट टिल 2-3 डेसिमल प्लेसेस ऑल द वैल्यूज एंड देन आप एक्चुअल में लेकिन जब कैलकुलेटर पे करोगे देन मेक श्योर कि यू आर यूजिंग फुल डेसिमल प्लेसेस बट टाइपिंग के लिए टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू हैव टू टाइप मे बी यू कैन गिव इट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड देन यू कैन गिव द आंसर Ma'am, like in term assurance, the formula is still short, but in case of increasing term assurance, it is quite big. So it's necessary that we will write the whole formula and then we will put the values. नहीं तो देखो formula तो definitely you have to write in these sums. जो ये CM1 में आते हैं ये वाले sums, where you have to calculate one assurance or annuity या जो भी they give you, उसमें formula for sure you have to write. Substitution you all can bunk also in some sums agar bahut lamba hai jaise aap bole increasing term assurance mein lekin formula definitely you have to write ye wala formula ye likhna hoga aap ye wala step skip kar sakte ho agar bahut bada hai then this step you can skip you can just give this much ki aap andar ka bracket solve karke bas de diye बस कोई भी वन इंटरमीडिएट स्टेप इफ यू शो इट इज फाइन एंड मैम जैसे ये A46 A71 ये सब के लिए तो हम लोग वो सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे ना यू कैन यूज सबस्क्रिप्ट और यू कैन इवन जस्ट यूज द कोलोन मेथड एज वेल सो इफ यू यूज द कोलोन मेथड सो वी जस्ट राइट मतलब कैपिटल ए कोलोन 46 वैसे नहीं खाली ए क्या होता है खाली ए वी डू नॉट राइट ना बिकॉज यहाँ पे भी देखो एवरी टाइम इफ इट इज जस्ट ए देन यू डू नॉट राइट ओनली ए यू राइट ई ए करेक्ट दैट इज व्हाट दे हैव गिवन इन देयर सजेस्टेड नोटेशंस जो है हालांकि आई थिंक इवन इफ यू जस्ट राइट ए दे विल नॉट रियली डिडक्ट मार्क्स एज सच ट्राई टू राइट ई ए एंड जस्ट कोलोन 46 क्योंकि आप देखोगे कि टर्म अश्योरेंस के लिए भी ए के साथ में वन देने की जगह यू राइट टी ए करेक्ट यस मैम इसीलिए प्रेफर टू राइट ई ए एंड जस्ट कोलोन 46 बाकी लोग का अभी तक हुआ नहीं मैम मेरा जैसे एक डाउट है जैसे मैम टर्म अश्योरेंस तो सिर्फ जैसे जो फॉर्मूला है जो हम लोग लिखते हैं वो तो वैसे लिखते हैं टी ए कोलन 46 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 वैसे लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग अगर ऐसे लिखे ए 46 माइनस वी टू द पावर 25 एल 71 तो प्रॉब्लम क्या अगर ए के साथ में जैसे जब जैसे मैम यहाँ पर अब ए 46 लिखा है तो यहाँ पर भी क्या ए 46 की जगह टी ए 46 लिखना पड़ेगा लेकिन ये टर्म अश्योरेंस वाला ए थोड़ी है
मतलब मैम A46, ये A46 क्या है? What does this denote? How do you say it in words? मैम इट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ होल लाइफ अश्योरेंस बेसिकली बाय अ पर्सन एज 46 है ना. तो इसीलिए होल लाइफ अश्योरेंस के लिए यू हैव टू राइट WLA टू डिनोट दैट इट इज अ होल लाइफ अश्योरेंस. रुको मैं आप लोग को, लेट मी जस्ट सी अगर मेरे पास वो आंसर स्क्रिप्ट है, या तो एक्चुअली स्पेसिमेन पेपर में भी इन लोग ने दिखाया है. देखो टर्म अश्योरेंस के लिए TA, एंडाउमेंट अश्योरेंस के लिए EA, मतलब EA फॉर, और होल लाइफ वाला भी इसमें था कि ये रहा होल लाइफ WL. एक बार आई विल सी इफ आई हैव दैट आंसर स्क्रिप्ट आल्सो जो मैंने आप लोग को एक बार दिखाया था. ये देखो, देख रहे हो हाउ यू हैव टू राइट WLA. ओके, क्लियर है ये चीज? यस मैम. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू? अभी तक आप लोग टाइप कर रहे हो आंसर कि हो गया है सबका? ठीक है, अब जिनका हो गया है आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉपी पेस्ट योर आंसर इन टू द चैट बॉक्स, ताकि हम लोग सब मिलके वी कैन सी कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ एरर्स हो सकता है एंड कैसे कर सकते हैं हम लोग. तो आप लोग अपना चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दो आंसर. चलो तो हमने पहले दिव्यांश का आंसर देखते हैं. 2A, L46, very important. I hope all of you have used a capital L and not a small L, क्योंकि ये एक problem, एक error है जो we tend to make, क्योंकि writing में we always use small L, but for MS Word typing, always remember life table के लिए you use a capital L. D you use small only, but L is capital because small L बहुत बार I की तरह लगते हैं, या फिर जो हम लोग standing bar देते हैं वो उसकी तरह लगते हैं. L46 minus L50 by L36. Okay, very good. I mean, ये ठीक है. Okay. ये bar 4625 is equal to 1 plus. ये देखो, ये आपने फुल वैसे नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे ठीक है, आई की जगह 0.04 यूज कर सकते हो. इनटू टीए 4625 WLA 46 माइनस वी टू द पावर 25 into 25 P46 WLA 71. ठीक है, तो वेरी गुड दिव्यांश, ऐसे आपका करेक्ट है. बट वॉट आई वुड सजेस्ट इज कि आप बहुत स्टेप्स दिखाओ. ठीक है, मतलब यू कैन रिड्यूस टू स्टेप्स. ऑलराइट, जैसे ये वाला जो स्टेप है, दिस स्टेप कैन बी रिड्यूस. आप डायरेक्टली जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, फॉर्मूला के लिए हमेशा एक ही स्टेप रखो. ओके, स्ट्रेट अवे गो टू द मोस्ट एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ द फॉर्मूला, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव टू स्ट्रगल
कि हम लोग कैसे कम से कम स्टेप्स में अपना आंसर को प्रेजेंट कर पाए, राइट? बिकॉज दैट इज व्हाट विल सेव अस, हम लोग का ही टाइम बचेगा. द एग्जामिनर विल नॉट माइंड कि आप अगर हर एक स्टेप दिखा रहे हो, बट यू माइट फेस ट्रबल्स क्योंकि आपका टाइम इश्यू हो सकते हैं. तो दिस स्टेप यू कैन बंक, बाकी इज फाइन. इवन दिस स्टेप आई हैव सेड कि अगर बहुत लॉन्ग अगर किसी को लगे, इवन आफ्टर प्रैक्टिस इफ सम ऑफ यू डोंट फील वेरी कंफर्टेबल टाइपिंग सो मेनी नंबर्स एंड आप लोग को लगता है कि गलती हो सकते हैं, देन इवन दिस स्टेप जो मैंने हाईलाइट किया है, ये स्टेप आप लोग सम्स में छोड़ सकते हो एंड डायरेक्टली राइट दी दिस स्टेप, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली कम नंबर्स है बट स्टिल यू आर शोइंग अ पार्ट ऑफ द इंटरमीडिएट वर्किंग. सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच यू ऑल कैन डू. श्रेयक आंसर देखते हैं. CM1A पेपर सितंबर 2020, ये सबके हेडर फोटो में जाएगा. प्लीज ARN मत देना अपना हेडर फोटो में, जैसे श्रेय ने लिखा है वैसे यू हैव टू राइट CM1A पेपर एंड आप लोग के लिए अप्रैल 2022. टू पार्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2A है क्वेश्चन पेपर में, 2A है, इट इज नॉट 2 part 1. ये सब चीज धीरे धीरे यू हैव टू स्टार्ट नोटिसिंग एंड मेकिंग श्योर कि आप करेक्टली कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो A एंड B है खाली. बहुत क्वेश्चंस में A के अंदर में पार्ट वन भी होता है, तो वहां पे इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड इट कैन मिसलीड द एग्जामिनर, करेक्ट? तो इसीलिए नंबरिंग मेक श्योर आप लोग क्वेश्चन से अच्छे से देख के करो. तो 2A होगा ये, L46 माइनस L50 बाय L36, दिस इज फाइन, ये सब ठीक है. TA बार 46, ये 21, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये 25 है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड ऑफ ऑल 46 के बाद में यू हैव टू गिव वन मोर कोलोन. एक कोलोन X के लिए होता है और एक कोलोन N के लिए होते हैं, राइट? यस. हाँ, तो वो कोलोन आपको ध्यान देके देना होगा. तो ये कोलोन और 25 होगा इज इक्वल टू 1 plus i to the power 0.5. एक चीज मैं सजेस्ट करूंगी, इवन इन दिस केस आई वुड सजेस्ट इज यहाँ पे दिस टू द पावर 0.5 में भी आप लोग एक ब्रैकेट दे दो, क्योंकि टू द पावर 0.5 जो है इधर यू गिव प्रॉपर स्पेसिंग ताकि वो लगे कि एक सेपरेट टर्म स्टार्ट हो रहा है, नहीं तो यू पुट दिस ऑल्सो इन साइड अ ब्रैकेट, बिकॉज 1 plus i to the power 0.5 इज वन टर्म एंड दैट इंटायर थिंग इज गेटिंग मल्टीप्लाइड. आप लोग खुद भी कंफ्यूज हो सकते हो कि पावर में ही कहीं मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है, इवन दो यहाँ पे इट्स वेरी अनलाइकली, बट दिस इज समथिंग जो बाद में बाकी सम्स के लिए इज इम्पोर्टेंट. तो 1 plus i, जैसे यहाँ पे देखो कोई स्पेस भी नहीं है, दिव्यांश वाले में देयर वाज अ स्पेस तो थोड़ा सा समझ में आ रहा था, बट हियर देयर इज नो स्पेस, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये मिस आउट भी हो सकते हैं. WLA 46 माइनस V to the power 25 इंटू L71 L46 WLA 71, ओके ठीक है, ग्रेट. कसक का आंसर, टेन बार 4Q 36 इज इक्वल टू L46 माइनस L50, ओके. TA बार 4625, ये कसक आप तो फुल मतलब एकदम सबसे जो शॉर्टेस्ट शॉर्टकट है सीधा वो, एक स्टेप तो दिखा दो कम से कम. इंटरमीडिएट कैलकुलेशन का वन स्टेप मिनिमम यू हैव टू शो, भले ही आप ये वाला स्टेप दिखा दो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट समथिंग यू हैव टू शो जिससे एग्जामिनर को लगे कि आप खुद अपने हाथ से वर्किंग की हो, ओके? ताकि दे नो कि समवेयर इन द मिडल आप खुद वैल्यूज देखे हो. तो कैसे प्लीज इस पे मेक कीप दिस इन माइंड नेक्स्ट टाइम. एंड एक और चीज, ये जो आप थर्ड ब्रैकेट यूज कर रहे हो, नो नीड टू यूज थर्ड ब्रैकेट्स एग्जाम में, डोंट गेट इनटू द हैसल फालतू का कि आप डिफरेंट ब्रैकेट्स यूज करो,
keep using the normal standard bracket, that is enough. जो A 26 लिख रहे हो, मैंने बोला था WLA 26 प्रैक्टिस में रखो, because it is always better and clearer कि आप whole life assurance का ही बात कर रहे हो, ठीक है? तो WLA करना, बाकी ठीक है. सुकेत का देखते हैं, 10-4 ये जो underscore है, underscore is not required because जो life probabilities हैं, lifetime probabilities and everything, वो सब के लिए underscore is optional. तो it's better आप इतना underscores दो, इससे better है कि you just write it normally. मैम मैंने equation editor में लिखा है, so मैं उसलिए copy किया तो underscore आया. ओ अच्छा, आपने equation editor में लिखा है. Yes ma'am. Okay. तो अच्छा. लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, इक्वेशन एडिटर में फिर आप n वाला टर्म कैसे लिख रहे हो? हम n वाला में n बार और उसके बाद फिर शिफ्ट प्रेस करके ये जो साइन है ना मैम, एक आई जैसा जो बैक स्लैश वाला के में दो साइन जो है वही वाला साइन शिफ्ट दे करके. अच्छा ठीक है, बट डोंट यू थिंक दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू डू, स्पेशली इन अ पेपर लाइक CM1 जहां आपको एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स n टाइप करना होगा. आप कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन एक बार सबसे पहले तो आप स्क्रीन शेयर करो, बिकॉज आई वांट टू सी. ओके मैम, हाउ इज योर आंसर लुकिंग? सी इफ यू आर एबल टू प्रेजेंट. दिव्यांश, आप हैंड रेज करके रखे हो, कुछ बोलना है? No. अच्छा ठीक है, ठीक है. सुकेत आप ट्राई करो स्क्रीन शेयर करने का, तब तक ईशा का आंसर हम लोग देखते हैं. दिस वन इज फाइन कंप्लीटली. मैम विजिबल है क्या? हाँ विजिबल है, एक बार मैक्सिमाइज करो ना स्क्रीन वर्ड को, थोड़ा सा बड़ा करना. यस मैम. अगर आपको बार वाला मेथड यूज करना है, 25 पे आप बार कैसे थियो, बैकस्लैश BAR लिख के, राइट? यस मैम. मैं शो करूं मैम टाइप करके? नहीं नहीं, मैं समझ गई, बट what if you actually want to go ahead with this method, then you make sure ki 25 ko pehle aap bracket mein likho beta. I will show you kaise. Okay ma'am, wo 5 ke upar sirf aa ja raha hai isliye. Ha ha, khali 5 ke upar aana is wrong, so make sure full 25 ko you put under the bar. Okay. And iske alawa, if you are using the equation editor and aap sab jagah aise kar rahe ho, matlab yes ma'am, actually I bit thoda sa ho gaya. क्या हो गया मैम? इक्वेशन एडिटर का थोड़ा हैबिट हो गया क्योंकि मैम 10 डेज से वही यूज कर रहा हूं, सो मैम. अच्छा ठीक है, तो देखो एज लॉन्ग एज आप स्पीड मैच कर पाओ तब तक देयर इज नो इशू, बट इट शुड नॉट हैम्पर योर स्पीड, क्योंकि CM1 पेपर इक्वेशन एडिटर, एंड दिस इज फॉर एवरीवन, CM1 पेपर इज वन पेपर and I think the only paper jisme I say avoid the equation editor, even I am someone who is more comfortable using equation editor, but CM1 mein bahut complications aa jaate hain. Ab jaise yahan pe you are using subscripts everywhere, jaise probabilities mein specially aap p ke right hand side mein subscript use kar rahe ho, but left hand side mein aap normal alignment likh rahe ho, so it is looking very odd, right? To okay. iske liye what you can do is if you want to continue with equation editor then aapko usko bhi subscript mein dalna hoga. Ye aap kaise karoge? This you have to insert mein ja kar ke karna, insert mein ja ke kar sakte ho, nahi to there is another way to do it. Aap band karo ek bar screen sharing, I will show it to you.
स्क्रीन शेयरिंग एक बार नीचे से बंद करो सुकेत हाँ तो अगर जैसे आई वॉज शोइंग यू एक तो वो बार वाला इशू था. द अदर थिंग इज कि इफ यू वॉन्ट टू गेट द सब्सक्रिप्ट बिफोर द लेटर ऑल्सो तो इक्वेशन एडिटर में वॉट यू कैन डू इज इक्वेशन एडिटर में यू डेफिनेटली हैव टू गो टू डिजाइन टैब एंड एक्सेंट्स में आपको चूज करना होगा नॉट एक्सेंट इसमें स्क्रिप्ट में आपको चूज करना होगा ये वाला ही आपको करना होगा यहाँ पे स्पेस देके दिस साइड यू हैव टू टाइप लेट्स से अगर 3P45 है तो वो आपको ऐसे लिखना होगा ओके अदरवाइज इफ यू वांट तो आप बिना इक्वेशन एडिटर में घुसे व्हाट यू कैन डू इज पहले आप सीधा कंट्रोल इक्वल टू करके सबस्क्रिप्ट में आ जाओ थ्री किए देन यू अगेन कम टू नॉर्मल अलाइनमेंट फिर से सबस्क्रिप्ट में जाके 45 तो आप ऐसे या तो लिखो अपना प्रोबेबिलिटीज को तो इससे क्या होगा इससे आपको बार बार डिजाइन टैब में नहीं जाना पड़ेगा फॉर द इक्वेशन एडिटर अदरवाइज यू हैव टू चूज फ्रॉम द इक्वेशन एडिटर नहीं तो इवन इफ यू आर यूजिंग द इक्वेशन एडिटर आई वुड सजेस्ट कि प्रोबेबिलिटीज को यू कीप इट नॉर्मल यू जस्ट कीप इट लाइक दिस द प्रोबेबिलिटीज बाकी चीज भले ही आपको इक्वेशन एडिटर में करना है इफ यू आर मोर कंफर्टेबल इन दैट इट्स फाइन लेकिन इक्वेशन एडिटर में भी आप ऐसे लिख लो ओके तो एटलीस्ट इट डजंट लुक ऑड इज इट क्लियर क्लियर है सुकेत आपको ये दो चीज पे यू हैव टू वर्क एंड मेक श्योर कि ये दो चीज आप ध्यान में रखो ओके ईशा का मैंने देख लिया है इट इज फाइन ये चीज एकदम ठीक है ईशा का सांची का एक बार जल्दी से देख लेते हैं exactly what I was going to come to सबका चेक करने के बाद I was waiting कि कोई भी referencing नहीं दिया है not even one of you up till Sanchi has given referencing कि आप table book से ले रहे हो भले आप यहाँ पे copy कर रहे हो examiner report से I can understand लेकिन at least you have to keep it in practice कि अगर आप कोई value लिखने जा रहे हो then you have to write from table book okay हो सकता है अभी आपको page number नहीं पता हो it's fine and CM1 पेपर में आप पेज नंबर अगर बार बार नहीं भी लिखो तो भी इट्स फाइन खाली अगर इफ यू आर यूजिंग सम वेरी स्पेशल वैल्यू जो यूजुअली आप मतलब यूजुअली सम्स पे नहीं यूज होते अगर वैसा वैल्यू यूज करो ओनली देन यू राइट द पेज नंबर बट यू हैव टू कीप ऑन मेंशनिंग फ्रॉम टेबल्स बुक या सिर्फ फ्रॉम टेबल्स लिखने से भी काम हो जाएगा ठीक है वेरी गुड सांची सब लोग को ये चीज दिमाग में रखना है कि हर सम में मेंशन करो फ्रॉम टेबल्स टी ए बार 1 प्लस आई डब्ल्यू एल ए माइनस वी 25 ठीक है श्रेय आपने सॉरी क्यों लिखा मेरे को मैम वो जो मिस्टेक किया था ना उसके लिए कोई बात नहीं अभी सारा क्लासेस मिस्टेक करने के लिए ही है इसीलिए आई वॉन्टेड यू ऑल टू हैव अ हैंड्स ऑन क्लास एक दो क्लास आप मिनिमम अगर हैंड्स ऑन करोगे एंड सबका देखोगे तभी आप लोग सीखोगे एंड यू ऑल विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन योर टाइपिंग करेक्ट
वैदेही काम, इतना सारा डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देने का जरूरत नहीं है वैदेही, अच्छा इतना खाली सारा फाइनल फाइव तुम्हें देना पड़ेगा ना। डेसिमल्स इज इनफ, फाइव से ज्यादा देने का जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक TA bar 46.25, 1.4 टू पावर 0.5, WLA 46, ठीक है, वेरी गुड। इसमें भी वही है, बस डेसिमल प्लेसेस देख लेना। ये दिशा, यस मैम। सिंस ऑलरेडी CM1 में जो बॉक्स ब्रैकेट है उसका इतना इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है, एंड नॉट जस्ट CM1, आप खुद जो सम कर रहे हो उसमें भी आप देख रहे हो बॉक्स ब्रैकेट ऑलरेडी बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है, तो डेफिनेटली बॉक्स ब्रैकेट बिल्कुल यूज नहीं करना है फॉर दीज वर्किंग्स, ऑलवेज यूज नॉर्मल ब्रैकेट्स, ठीक है, क्योंकि आप देखो L36 के लिए आप सिलेक्ट करने के लिए ऑलरेडी उसको बॉक्स ब्रैकेट में डाल रहे हो, राइट? तो इफ यू आर अगेन L के ऊपर ही अगर आप बॉक्स ब्रैकेट यूज करें तो एग्जामिनर को कहीं पे लग सकता है कि आप कंफ्यूज थे कि 46 एंड 50, जो L46 एंड L50 था वो भी कहीं सिलेक्ट तो नहीं ले रहे थे आप, आर यू गेटिंग इट? ओके मैम। ठीक है, तो इसलिए बॉक्स ब्रैकेट्स अवॉइड करो, नॉर्मल ब्रैकेट्स जो है वो यूज करो इवन ओवर हियर। खैर ये सब में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट डेफिनेटली इस स्टेप में आप लोग को दिखेगा कि कितना मैटर कर रहे हैं ब्रैकेट। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। ओके मैम। आप भी इक्वेशन एडिटर यूज कर रहे हो क्या? यस मैम, आई हैड यूज्ड इक्वेशन एडिटर, तो उसके लिए वो बार इधर राइट साइड में आ गया। अच्छा ठीक है, तो खाली वो बार के लिए एंड सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के लिए यू आर यूजिंग द इक्वेशन एडिटर, हाँ, उसके बस आई हैड यूज्ड फॉर द ठीक बार है एंड देन फॉर बिलो ए व्हिच वी राइट A46 ठीक है, हैड। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखो सुकेत, इवन दिस यू कैन डू इफ यू आर यूजिंग द इक्वेशन एडिटर, तो वो जो 25 के ऊपर आप बार एंड देन फिर वो स्टैंडिंग लाइन दे रहे हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू द हैसल ऑफ ऑल दैट, इवन इन द इक्वेशन एडिटर यू कैन सिंपली पुट इट इन लेस देन ग्रेटर देन साइंस ऑल्सो। ओके, आई थिंक इट्स इजियर, एंड क्योंकि आपको आदत हो गया है तो दिस इज अ स्मॉल चेंज विच यू कैन मेक। तो कैसे करोगे, आई विल जस्ट शो यू ऑल। सपोज इफ इक्वेशन एडिटर ऑन किया तो TA तो लिखना ही होगा, TA के ऊपर बार दिया, एंड यू गो टू द सबस्क्रिप्ट एंड यू राइट 46 25, ओके ऐसे लिख दिया। दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट, एंड देन तो बाकी नॉर्मली यस मैम, ये टाइम सेव करेगा, तो यही वाला सेव करेगा। क्या चीज, यस मैम, ये वाला टाइम सेव करेगा, तो हाँ इसमें टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगता सेव है। करेगा ये, तो इसीलिए दिस इज वन थिंग विच यू कैन ऑल्सो डू। ओके ठीक है, चलो वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, मोर और लेस सबका ठीक ही है, जो भी छोटा छोटा चीज आई हैव सेड कीप दिस इन माइंड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 में। अच्छा पहले बता, क्वेश्चन 2 में किसी को भी और कोई डाउट है या और कोई क्वेश्चन है? एंड जिन लोग ने नहीं भेजा, क्योंकि ऑब्वियसली मीटिंग में 12 13 ऑफ यू आर देयर, तो आई हैवंट चेक्ड 13 का 13, बट जिन लोग ने भी नहीं भेजा है उन लोग को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है कि क्या गलती हो सकता है या कुछ भी क्लैरिफाई करना है? नथिंग, ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट इज तो जस्ट ABCDPQX का वैल्यूज लिखना, तो ये आप लोग इजीली लिख सकते हो। आई वुड सजेस्ट ऐसे इन लोग कॉमा कॉमा दे के लिखें, प्लीज ऐसे मत लिखना, बिकॉज आई डोंट नो हाउ कैन दे गिव इट इन सच अ फॉर्म, इट इज ऑलवेज बेटर कि सेपरेट लाइन्स में यू गिव द सेपरेट वैल्यूज, करेक्ट? एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू विल अग्री विथ मी। यहाँ पे यू डोंट इवन नो कि एक्स और सब कहाँ खो गया एक दूसरे में, सो हमेशा सेपरेट लाइन्स में सेपरेट वैल्यूज लिखना। सेकेंड पार्ट इज कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन योर आंसर्स, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है 6Q2XY। ओके, तो दिस इज एन इंटीग्रेशन सम,
तो ये वाला एक बार आप लोग सब ट्राई करो. इट इज फॉर 4 मार्क्स ना आई थिंक. हाँ तो 4 मार्क्स का है. तो ऑल ऑफ यू टाइप इट आउट. आप लोग ट्राई करो इसको सॉल्व करने का. 4 मार्क्स का है तो आई एम गिविंग यू ऑल लेट्स से अराउंड 8 मिनट्स, क्योंकि अभी आप लोग को थिंक करने का भी इतना जरूरत नहीं है. आंसर आप लोग के सामने, तो 8 मिनट्स इज इनफ टू टाइप दिस. एग्जैक्टली 6 o'clock पे हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. ये स्टार्ट. बस एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ इंटीग्रेशन. आई विल जस्ट रिमाइंड यू ऑल कैसे लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन. दिस इज द वे वी यूज और वी टाइप इंटीग्रेशन इन एमएस वर्ड, INT यूज करके. ठीक है. मैम ए और बी आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट है ना? यस. मैम ये सबस्क्रिप्ट का ये शॉर्टकट क्या है? सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट इज कंट्रोल इक्वल टू, एंड सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू. मैम
सॉरी, हाँ बोलो मैम, आई हैव जॉइंड रिसेंटली मैम, क्या करना है अभी? अच्छा, तो सबसे पहले तो आप सितंबर 2020 का पेपर डाउनलोड करो. आई एम सेंडिंग यू द लिंक. ये लिंक से सितंबर 2020 का पेपर डाउनलोड करके अभी वी आर डूइंग क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट. तो यू स्टार्ट विथ दैट वन. जो सेकंड क्वेश्चन है दैट यू प्रैक्टिस एट होम. एंड अगर कुछ भी डाउट होगा, मतलब आप रिकॉर्डिंग देख लेना, उससे आई थिंक मोस्ट ऑफ योर डाउट्स विल बी सॉल्व. उसके अलावा कुछ भी होने से आफ्टर द क्लास यू कैन टॉक टू मी. राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करना है ना? हाँ ओके मैम. सॉल्व इंटीग्रल कैसे शो करते हैं इसमें? आई डोंट थिंक पीडीएफ में ये रहा. ओके मैम. किसी का नहीं हुआ अभी तक. ओके शर्मा जी के बेटे को चौधरी के बेटा बेटी रिप्लेस कर रहे हैं. बाकी लोग ठीक है? जिसका भी हुआ है चैट बॉक्स में अपना कॉपी पेस्ट करो एक बार प्लीज. दिशा भी क्वेश्चन एडिटर यूज करती है. ओके अच्छा, तो सब लोग ने इक्वेशन एडिटर यूज किया है.
इज इट सो कि आप लोग सिर्फ जो मतलब जो लाइफ सेक्शन ऑफ द सिलेबस है जिसमें अश्योरेंसेस एनुटीज एटसेट्रा सिर्फ उसके लिए आप लोग कीबोर्ड नोटेशन यूज करते हैं, बाकी के लिए इक्वेशन एडिटर सबको सूट करता है क्या? ठीक है, शी हैज डन इट कीबोर्ड नोटेशन यूज करके. बाकी लोग बोलो, इज इट ट्रू कि आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो इक्वेशन एडिटर यूज करने में? नो मैम. नहीं, यू प्रेफर कीबोर्ड नोटेशंस? यस मैम. ठीक है, ओके. ठीक है, सब टाइप के होते हैं एंड ऑनेस्टली इट आल्सो डिपेंड्स सम टू सम. तो एक बार दिशा और सुकेत का हम लोग और ईशा का हम लोग रुक के देखते हैं, श्रेय का देखते हैं क्योंकि उसने कीबोर्ड नोटेशन यूज किया. तो फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली इंटीग्रेशन दिखाना है. तो आई एन टी टी इक्वल टू 0 to 6, वेरी गुड. कोलोन देके जस्ट अ सेकंड, कोलोन देके हम लोग फंक्शन को दिखाते हैं. 0.03 इंटू 0.04 ई टू द पावर माइनस 0.04 टी. एक चीज, ये चीज को ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा. यू हैव टू पुट दिस इन, कभी भी ई के पावर में कुछ भी डालो तो मेक श्योर यू पुट इट इनसाइड ब्रैकेट्स. तो ईदर यू यूज ई एक्स पी और सीधा ब्रैकेट में लिखो माइनस 0.04 टी, नहीं तो ई टू द पावर भी लिखना चाहते हो तो इट्स फाइन, लेकिन इस चीज को ब्रैकेट में करना होगा. ठीक है, टू शो कि दिस एंटायर थिंग इज इन पावर इन टू इंटीग्रेशन. ये ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ ये तो ठीक है, लेकिन साथ में एक और ब्रैकेट यहाँ पे खुलना भी चाहिए टू शो द सेकेंड इंटीग्रल पूरा, कि सेकेंड इंटीग्रल पूरा एक और ब्रैकेट में. ठीक है, तो वो दिखाना. इंटीग्रेशन s इज इक्वल टू 0 to t e टू द पावर माइनस 0.03 s ds dt. ओके, दिस इज फाइन. अगेन यहाँ पे भाई ब्रैकेट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बी अ लिटिल केयरफुल विथ योर ब्रैकेट्स. नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. 0.04 इंटू इंटीग्रेशन टी इक्वल टू 0 to 6 एंड माइनस 0.03 t dt. सब जगह देखो, सब जगह एवरीवेयर दैट यू हैव मेंशन रिटन दिस, एवरीवेयर यू हैव टू गिव अ ब्रैकेट सेपरेटली. एंड दिस इज आल्सो इसके पीछे, मतलब आईएनटी के पीछे बोल रहे क्या? नहीं, आईएनटी ये वाला आईएनटी के पीछे तो देना ही होगा, मतलब दिस इज तो वन थिंग, लेकिन आप सब जगह जब ई टू द पावर समथिंग लिखे हो तो आप देखोगे इट इज माइनस प्लस देर इज अ नंबर इन्वॉल्व प्लस देर इज अ वेरिएबल ऑल्सो, राइट? तो ये तीनों चीज को एक साथ कंबाइन करके लिखने के लिए ऑल्सो यू हैव टू पुट इट इनसाइड अ ब्रैकेट, ताकि उससे समझ आए कि ये तीनों चीज पावर में ही है, एक्सपोनेंशियल का पार्ट है ये तीनों चीज. एंड दिस इज ऑल्सो वन रीजन वाई वी से कि ई एक्स पी वाला मेथड यूज करो, बिकॉज ई एक्स पी में यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट यूजिंग अ ब्रैकेट. ई टू द पावर में आप भले ही मिस आउट कर सकते हो ब्रैकेट पे, लेकिन अगर आप ई एक्स पी लिख रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ ब्रैकेट पे ही जाएगा. ओके, तो ये सब जगह यहाँ पे 0.04 t के लिए, माइनस 0.03 s के लिए, थ्रू आउट द सम एवरीवेयर यू हैव टू गिव अनदर ब्रैकेट. तो आप आई एम श्योर आप थोड़ा तो कॉपी पेस्ट यूज करोगे इस सब में, तो स्टार्टिंग से उसको ब्रैकेट में देख के रखो, तो देन यू कैन गो ऑन कॉपी पेस्टिंग इट. कहाँ थे? ये रहा 0.04 e टू द पावर, ये ठीक है. ये कभी भी डिनोमिनेटर में अगर कुछ नेगेटिव लिख रहे हो तो उसको अलग से ब्रैकेट में करो, ठीक है? क्योंकि एक डिविजन साइन के बाद एक माइनस साइन इज नॉट करेक्ट. हमेशा साइंस के बीच में अगर वो साइंस डिफरेंट चीज डिनोट करता है तो देयर शुड बी अ ब्रैकेट. तो डिफरेंशिएट करने के लिए
आफ्टर द डिविजन साइन अगेन यू हैव टू गिव अ ब्रैकेट, नहीं तो वॉट यू कैन डू इज इस माइनस को आप बाहर भी निकाल सकते हो चाहो तो. ये क्या है, ये 60? मैम वो एक्चुअली जो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे जो अपर इंटरवल होता है वो 6 और 0 ऊपर और नीचे किया था. तो इसको लिखने का क्या मेथड होता है, अभी किसी ने पूछा भी था तो मैंने दिखाया था. इसको लिखने का मेथड होता है, ये देखो दिस इज हाउ यू विल राइट इट, 0.04 e टू द पावर -0.04t. ये हो गया न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर होगा -0.04 एंड देन यू हैव टू गिव द लिमिट्स. तो सबसे पहले तो क्योंकि ये सॉल्व इंटीग्रल है तो हमेशा बॉक्स ब्रैकेट में होगा सॉल्व इंटीग्रल. ये सॉल्व इंटीग्रल का पहचान होता है दैट इट इज सपोज टू बी इनसाइड बॉक्स ब्रैकेट. देन व्हाट डू यू डू, यू गिव अ कोलोन एंड देन फर्स्ट ब्रैकेट में यू गिव लोअर लिमिट कॉमा अप, अरे कोलोन दिया and then first bracket में you give lower limit comma upper limit. ठीक है, clear? ये देखो ये इन लोग ने भी दिखाया था solved integral को box bracket में पहले हम लोग लिखेंगे फिर colon देख के normal brackets में we give lower limit comma upper limit. clear? कैसे होता है, तो ये ऐसे लिखेंगे हम लोग solved integral. तो इसके बाद भी फिर मतलब यही मिस्टेक कंटिन्यू है एंड देन फाइनली आंसर. मैंने अभी याद दिलाया था, अच्छा नहीं ठीक है यहाँ पे ठीक है. अब इसमें हम लोग कौन से स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं, 4 मार्क्स का है, कितना स्टेप्स किया है, 1 2 3 4, नो स्टेप्स कैन बी स्किप्ड. 4 मार्क्स के लिए 4 to 5 steps तो minimum दिखाना ही होगा, okay? Minimum 4 to 5 steps. सांची ने भी keyboard notation किया है, देख लेते हैं. Integration 0 to 6, very good. यहाँ पे क्योंकि 2 integrals हैं, right? You are using 2 integrals and 2 variables, इसलिए जैसे श्रेय ने दिखाया है t equal to 0 और फिर s equal to 0, ठीक है? तो ये practice में रखो कि अगर 1 variable से ज्यादा है then you should specify कि आप कौन से variable को limits लिख रहे हो, okay? तो यहाँ पे t equal to 0 कर देना, यहाँ पे s equal to 0 कर देना. कहाँ गया, 0.03. इस पूरे चीज को ब्रैकेट में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वाला ब्रैकेट तो यू कैन जस्ट नॉट मिस. कोलोन के बाद में इंटीग्रेशन हो, सम हो, प्रोडक्ट हो, आफ्टर द कोलोन यू हैव टू इंश्योर कि जितना भी इंटीग्रल का पोर्शन है दैट एंटायर पोर्शन हैज टू बी इनसाइड 1 ब्रैकेट टू शो कि कहां स्टार्ट हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है. ठीक है, जैसे यहां पे आई कैन स्किप द ब्रैकेट व्हिच आई हैव यूज्ड बिफोर इंटीग्रेशन. हां ये वाला वही मैं बोलने जा रही थी कि ये जो कर्ली ब्रैकेट आपने यूज किया है इस इंटीग्रेशन के पहले, इसको आप दो, this also I will say कि दो but normal bracket ही दो, क्योंकि this and यहाँ पे एक तो asterisk दो, एक asterisk क्यों दो, to show कि ये multiply हो रहा है, this entire sub integral is getting multiplied to this portion, right? तो वो वाले bracket को रहने दो, बीच में एक asterisk दो and starting में and end में एक bracket दो, plus इस integral में again you have to give 1 bracket. तो you can see कितना important होता है brackets देना, है ना? 1-2 places में examiner can माफ कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मिस हो सकता है एग्जाम में, लेकिन अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो अभी यू हैव टू बी एकदम परफेक्ट, बिकॉज ओनली इफ यू आर 100% परफेक्ट राइट नाउ तब जाके आप एग्जाम प्रेशर में, एग्जाम डे पे यू कैन बी अराउंड 75-80% इन योर टाइपिंग, ओके? तो अभी हर छोटा छोटा चीज पे ध्यान दो. यहाँ एक ब्रैकेट आएगा to put the entire thing in 1 bracket, फिर एक और ब्रैकेट आएगा इस कोलोन के बाद में, मतलब ईस के पहले स्टार्ट होएगा एंड डीएस पे खत्म होगा, ओके? तो ये दोनों ब्रैकेट्स ऐड होंगे, 0.6 एंड जैसा मैंने शेख को बोला था
अच्छा यहाँ पे आपने किया है, ये जो एस्ट्रिक्स आप दे रहे हो ना 0.04 t के बीच में, दिस एस्ट्रिक्स यू कैन बंक, क्योंकि हम लोग 5n अगर लिखते हैं तो, जैसे मैंने आई थिंक शायद इस CM1 की क्लास में नहीं कराया था, बट अगर 5n लिख रहे हो तो 5n ही लिखो, 5 एस्ट्रिक्स n अलग से दिखाने का जरूरत नहीं है. ओके ये सब जगह आप बंक कर सकते हो एस्ट्रिक्स को, ऑल दीज प्लेसेस एक्सपोनेंशियल में जितनी भी जगह यूज हुआ है सब जगह यू कैन ओमिट द एस्ट्रिक्स. ओके 0.04 e to the power -0.04 t by -, वेरी गुड. ये देखा यहाँ पे जैसे ब्रैकेट दिया सबको वैसे ही देना है. ये गलती हो क्या, क्या गलती हुआ, आप क्या किया पूरे चीज को ब्रैकेट में दे दिए, हाँ बॉक्स ब्रैकेट में यू गेव द इंटायर थिंग, जबकि क्या करना था आपको, आपको बॉक्स ब्रैकेट स्टार्ट करना था ई के पहले से और 0.04 वाले ब्रैकेट के बाद आपको बॉक्स ब्रैकेट बंद कर देना था. बिकॉज बॉक्स ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, वी राइट फॉर सॉल्व इंटीग्रल, लेकिन आप लिमिट्स के भी बाद जाके बॉक्स ब्रैकेट बंद कर रहे हो, वो नहीं करना है हम लोग को. बॉक्स ब्रैकेट बंद होने के बाद वी राइट द लिमिट्स, करेक्ट. यहाँ पे देखो इससे मैच करो ये जो लिखा हुआ है, इससे मैच करो. बॉक्स ब्रैकेट्स जो है, बॉक्स ब्रैकेट खत्म होगा उसके बाद कोलोन आएगा एंड देन वी विल राइट द लिमिट. ठीक है साची, माइनस फॉर दैट आई हैव यूज्ड दैट कर्ली ब्रैकेट. हाँ तो वही है ना कि कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते हम लोग को बॉक्स ब्रैकेट, क्योंकि वही तो सॉल्व इंटीग्रल का पहचान होता है. कभी भी आप अगर पेपर पेन यूज करके भी करोगे इंटीग्रेशन सॉल्व तो यू विल नेवर यूज अ कर्ली ब्रैकेट टू शो दैट शो इट. You will always show, use a box bracket to show a solved integral. In the same way, यहाँ पे भी make sure कि box bracket ही use करो आप solved integral के लिए. Same चीज़ यहाँ पे. ठीक है. वत्सल ने अभी मैम ये दूसरा question. ये दूसरा question है. कौन सा question है ये? मैम मेरा कोई दूसरा शीट खुला हुआ है. आप आगे ही चल रहे हो क्या हम लोग से? नहीं मैम वो कोई दूसरा शीट खुला हुआ है मेरे पास, पेपर अलग है इसीलिए कंफ्यूजन. ठीक है कोई बात नहीं, अब आप सेम पेपर करना, देख लेना सितंबर 2020 का ही खोलो. इन द मीनवाइल मैम वही खोले हुए पर दूसरा आया हुआ मेरे पास. सितंबर 2020 में कैसे दूसरा आ सकता है, सितंबर 2020 में तो यही है. इसमें कॉपी खुलेगा नहीं कि ऊपर नीचे हुआ हो, क्योंकि ऊपर नीचे भी क्वेश्चंस आर डिफरेंट. ठीक है कोई बात नहीं, ये आप देखो कि कौन सा पेपर गलती से अब क्या हो गया है, कुछ तो हुआ है. दिस टाइम आई वांट दिशा टू शेयर हर स्क्रीन ताकि हम लोग इक्वेशन एडिटर वाला भी एक बार देख पाए. दिशा स्क्रीन शेयर करो अपना. यस मैम. मैम स्पेसिमेन पेपर में दूसरा क्वेश्चन पेपर इसमें शो कर रहा है इसलिए उसका लाइक डिफरेंट क्वेश्चन आया है. स्पेसिमेन पेपर तो हम लोग कर ही नहीं रहे हैं. स्पेसिमेन पेपर इज तो डिफरेंट. This is the specimen paper. हाँ मैम तो हाँ वत्सल आपने specimen paper का solution दिया है. हम लोग को specimen paper नहीं करना है, हम लोग September 2020 का paper कर रहे हैं. ठीक है दिशा थोड़ा सा screen मतलब जो page है उसको बड़ा करना बस. ठीक है thank you. Answer 3 part 2. तो देखते हैं ये आ गया t equal to equation editor में लिखने से match करना becomes very easy. ये देखो
इक्वेशन एडिटर यूज करके भी गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे एक ठो सेकंड स्टेप में इंटीग्रल के अंदर में, नहीं नहीं स्टॉप मत करो, प्रेजेंट करना स्टॉप मत करो, आई एम सेइंग इंटीग्रल के अंदर में बिफोर द 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0.03 टी एक ठो ई टू द पावर माइनस 0.04 टी भी है। हाँ तो ये सब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, डोंट मिस आउट अननेसेसरीली, ठीक है। ठीक है, टाइपिंग एकदम परफेक्ट है, खाली यहाँ पे जो आप बॉक्स ब्रैकेट में लिमिट्स लिखे हो यहाँ पे यू कैन राइट टी इक्वल टू, क्योंकि आप टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें उसको दिखाने के लिए एंड नॉट एस का वैल्यूज, लेकिन क्योंकि ये सब समझ में एंड में टी ही बच रहा है तो इट इज फाइन, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सिर्फ टी है तो इवन दिस इज एक्सेप्टेबल। ओके, बाकी जन जो भी इक्वेशन एडिटर यूज किया उन लोग का भी बस ये देखो कि सेम दिख रहा है कि नहीं, एंड अब भी आई विल शो यू ऑल कि इक्वेशन एडिटर में एक बार जल्दी से कैसे टाइप होगा, 1-2 स्टेप्स आई विल शो यू ऑल। दिशा वेरी गुड, अपना प्लीज स्क्रीन शेयर करना बंद कर दो ताकि आई कैन शेयर। इक्वेशन एडिटर में मेरे को बस दिखाना है एक इंटीग्रेशन का, तो सबसे पहले तो बैकस्लैश आईएनपी, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कि अपर लिमिट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को हम लोग हमेशा साथ में लिखते हैं एंड ओनली आफ्टर दैट डू वी प्रेस स्पेस बार, टाइम्स करने का जरूरत नहीं है टू गेट द क्रॉस साइन, जस्ट यूज द एस्टरिस्क एंड मूव अहेड माइनस 0.04 टी रिकॉल ब्रैकेट इंटीग्रेशन अंडरस्कोर एस इक्वल टू 0, T। e टू द पावर माइनस 0.03 एस डी एस एंड डी टी, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक तो है लिमिट्स, हर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में लिमिट्स ही सबसे इम्पोर्टेंट है। एक आई विल शो यू ऑल कि बॉक्स ब्रैकेट्स में मतलब सॉल्व इंटीग्रल कैसे दिखाना है। सॉल्व इंटीग्रल के लिए ये वाला स्टेप लेते हैं, 0.04 बॉक्स ब्रैकेट ओपन ई टू द पावर माइनस 0.04 टी बाय माइनस 0.04। अब इसमें भी सेम रूल यूज करेंगे लिमिट्स के लिए, साथ में अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख के एंड देन यू प्रेस द स्पेस बार, ठीक है, क्लियर है। किसी को भी इक्वेशन एडिटर में डाउट है? मैम लिमिट्स लिखने के बाद एंटर नहीं दबाते हैं? नहीं, कभी भी एंटर मत दबाना, क्योंकि एंटर दबाते वो नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं, कुछ कुछ डिवाइसेस में हो सकता है नहीं भी जाए, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर आप स्पेस बार दबाओ, क्योंकि आप स्पेस बार दबाते हो आप कभी अगर बार भी दोगे, फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से अगर मेरे को एक्स बार लिखना है तो एंटर दबाते देखा नेक्स्ट लाइन में चला गया, तो इंस्टेड व्हाट विल आई डू, आई विल प्रेस अ स्पेस बार, स्पेस बार दबाने से वो लेगा उसको शॉर्टकट को लेगा अपने में, ठीक है। मैम टीए के ऊपर जैसे बार देंगे तो फिर कैसे होगा? टीए के ऊपर अगर फुल बार देना है तो हम लोग टीए को पहले ब्रैकेट्स में लिखेंगे, टीए को ब्रैकेट्स में लिखेंगे एंड देन यू विल गिव द बार, ओके। अगर कोई भी चीज को पूरा बार के अंदर देना तो जो भी बार के नीचे चाहिए उसको एक ब्रैकेट में लिखो पहले एंड फिर बैकस्लैश BAR टाइप करो एंड गेट द बार।
मैम आई वांटेड टू से कि मेरा वो सेंट्रली अलाइंड हो रहा है इक्वेशन एडिटर से, हाँ, तो होता है मोस्ट डिवाइसेस में. जैसे देखो यहाँ पे मेरा एक्स बार भी हो गया, तो या तो आप सेंट्रली अलाइंड रहने दे सकते हो, इट इज नॉट अ वेरी बिग डील. नहीं तो अभी से अगर आप हैबिट डालोगे तो जैसे ही आप इक्वेशन एडिटर में टाइप करोगे ना, आपको पता है आपका सेंट्रली अलाइन होने वाला है. लेफ्ट अलाइन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एल. तो इक्वेशन एडिटर से निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंटर या एरो कुछ भी हम लोग टाइप करते हैं ना. तो बिफोर डूइंग इट आदत बना लो कि आप हर बार कंट्रोल एल कर लो. हर बार अगर कंट्रोल एल दबाओगे, जैसे कंट्रोल एल और फिर एंटर, तो देखा लेफ्ट अलाइन हो गया. सिमिलरली एक और चीज, अगर x इक्वल टू 7, एक एल में ही रहेगा क्योंकि मैं सेम एंटर से काम कर रही हूँ, तो इसलिए इट विल बी लेफ्ट अलाइंड ओनली. अगर कब जैसे ही सेंट्रली अलाइन होगा, इफ यू एंटर द इक्वेशन एडिटर एंड जस्ट प्रेस कंट्रोल एल, तो वो पूरा इक्वेशन एडिटर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा. एंड सेंटर करने के लिए आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी जरूरत पड़ता है, बट जस्ट फॉर नॉलेज शॉर्टकट इज कंट्रोल ई. कंट्रोल ई इज फॉर सेंटर अलाइनमेंट. देखो जब आप यहाँ आओगे ना, कर्सर को अपना लाओगे अलाइनमेंट वाले में, तो यू कैन सी सारा शॉर्टकट लिखा हुआ रहता है, कंट्रोल आर, कंट्रोल ई, कंट्रोल एल. ठीक है, और बताओ और किसी को क्या डाउट है? बाकी सबका हो गया ये वाला क्वेश्चन टाइप इजीली? एनी प्रॉब्लम एनीवन फेस्ड? नो. Question 4 is a good question for typing. So what I want you all to do is कि हम लोग next class इसी paper को continue करेंगे, but मेरे को चाहिए कि question number 4 and 5, बस 2 questions, क्योंकि 2 काफी लंबे questions हैं. I want you all to practice 4 and 5 and type करके ready रखो, ताकि next class जब हम लोग start करेंगे, we will first discuss 4 and 5 जल्दी से, and फिर बाकी का paper we can do. बाकी का paper then we can do. Okay? तो 4 and 5 आप लोग का homework है, आप लोग को type करके रखना है. अगर कहीं पे अटकते हो तो either skip that step and move ahead. एंड अगर ऐसा है कि आप कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, तो यू ऑल कैन आस्क मी ऑल्सो, तो आई कैन हेल्प यू आउट ओवर देम. ओके, और किसी को कुछ भी पूछना है? आपका आवाज स्लो हो गया, मतलब सॉफ्ट हो गया अचानक से. ये सब जैसे IFO प्रिस्क्राइब्ड IFO है, तो II के लिए एकदम सेम कर सकते हैं ना, कोई डिफरेंस? हाँ, II के लिए एकदम सेम है, बट द ओनली थिंग इज अगर आप II से दे रहे हो तो आप इक्वेशन एडिटर मत यूज करो. आप अपना 100% आदत कीबोर्ड नोटेशन रखो, बिकॉज II का सॉफ्टवेयर एक तो ऑलरेडी थोड़ा लैग करता है यूजुअली, एंड प्लस बहुत बार उन लोग के सॉफ्टवेयर में ऑल्ट की नहीं काम करते, तो यू हैव टू गो टू द रिबन एंड चूज इक्वेशन एडिटर. ठीक है, तो इसीलिए अगर II से दे रहे हो देन ओनली डिफरेंस इज कि आप कीबोर्ड नोटेशन यूज करो, बट द वे यू आर यूजिंग द नोटेशन इज सेम एज IFO, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है. यस सुकेत. मैम, कोई भी सम में ऐसे स्पेसिफिकली एक्सेल से वैल्यूज अट्रैक्ट करके मतलब एक्सट्रैक्ट करके ज्यादा आसान होता है क्या, जैसे लोन शेड्यूल का कोई सम अगर हुआ? हाँ, लोन शेड्यूल का सम में हो सकता है, लेकिन अगेन लोन शेड्यूल का जो पेपर ए में सम जाएगा वो, उसके लिए आपको एक्सेल बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब फॉर्मूला बेस्ड ही होगा ज्यादा. दे विल नॉट गिव यू अ क्वेश्चन. CM1 में प्रॉफिट टेस्टिंग में हेल्प हो सकता है थोड़ा. एक सेकंड देना मेरे को प्लीज. सॉरी, तो एज आई वाज सेइंग, क्या बोल रही थी मैं?
एंड प्रॉफिट टेस्टिंग का समझने एक्सेल से प्रॉफिट टेस्टिंग में एक्सेल में हेल्प हो सकता है और सीएम वन में और कोई टॉपिक में सीएम वन में पर्टिकुलरली नहीं हो सकता है बिकॉज मतलब एनपीवी आईआरआर ये सब चीज होता है एक्सेल मतलब दीज आर टॉपिक्स विच आर प्रेवलेंट इन एक्सेल लेकिन आप अगर पेपर ए का सम्स देखोगे तो कोई भी ऐसा सम नहीं होगा जिसमें आप एग्जैक्टली एक्सेल से हेल्प ले सकते हो इट विल बी मोर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एंड मोर फॉर्मूला बेस्ड ताकि आप पेपर मतलब एमएस वर्ड पे ही करो खुद से सीएमएन पे नो हर पेपर में कुछ कुछ एक दो चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे हेल्प हो सकता है तो सीएमएन में आई थिंक प्रॉफिट टेस्टिंग इज द ओनली चैप्टर जहाँ एक्सेल से हम लोग यूज कर सकते हैं कुछ क्योंकि आप लोग खुद भी फील करोगे जब आप लोग पेपर बी करोगे तो यू विल सी स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस बिटवीन पेपर ए एंड पेपर बी का मेथड्स आपको बहुत बार कुछ कुछ चैप्टर में लगेगा कि हम लोग इसको पेपर बी में क्यों ही कर रहे हैं बिकॉज इट इज मोर लेंदी पेपर ए में हम लोग सीधा टेबल बुक देख के इसको 2 मिनट्स में कर सकते थे इसे सीएमएन में और कुछ तो नहीं है और कुछ सबको सब कुछ क्लियर है आज हम लोग जो भी किए सबको समझ में आया तो प्लीज अब आप लोग क्वेश्चन 4 और 5 घर पे करना आज फ्राइडे है हो सके तो आज ट्राई करना आज या फिर कल फर्स्ट हाफ में क्योंकि आई थिंक मोस्ट प्रोबली सेकंड नेक्स्ट क्लास हम लोग का कल ही होगा शाम को ओके सो थैंक यू ऑल ऑफ यू सी यू ऑल